कितना सुंदर कमरा है। मेरी साइड बहुत बढ़िया है। मुझे अभी से यहाँ अच्छा लग रहा है। कुछ आरामदायक घर के कपड़े पहनने का वक्त आ गया है। यहाँ काफी गर्मी है। कितना? खैर नहीं, हम आइलैंड पर नहीं है, तो जितना ठंडा उतना बेहतर। क्या हो रहा है? कभी ना कभी कोई कमरे के दूसरे हिस्से में रहने आएगा। लेकिन कोल्ड जैकलिन शायद ही चाहती थी कि कोई फायरी गर्ल उसके साथ रहने आए। यहाँ कितनी ठंड है। बढ़िया। हे, वो कितनी बदतमीज है। डियर डायरी, मेरी नई पड़ोसी बहुत बुरी है। आइसकल वहाँ क्या लिख रही है? कितना अच्छा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसे और बेहतर कैसे बनाना है। वो मेरी डायरी थी। आह, ठीक है, तो तुम ये चाहती हो और तुमने सोचा था कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। मेरा तरीका बेहतर है। खैर, इन दोनों का एक साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। जरा देखो, ऐसा लगता है कि लड़कियाँ बर्फ और आग की लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो मुझे हरा नहीं सकती। वो खुद को क्या समझती है? ओह नहीं, मेरा प्यारा बेड। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। ओह सच में? जरा अपने वाले को देखो, तुम्हें लगता है कि ये कोई मजाक है? चलो भी, है ना? मेरा बेड बर्बाद हो गया। बस अब आइसकल को इसका पछतावा होगा। खैर, अब हंसी किसे आ रही है? रेड हेड? ये नहीं चलेगा। मुझे एक बेड चाहिए। ओह, मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि सैंड्रा कुछ करने वाली है। मैं ऐसे कमरे में नहीं रहने वाली जहाँ पर्सनल बेड ना हो। और अगर मुझे इसे खुद बनाना है, तो क्यों ना एक पर्सनल सीक्रेट रूम ही बना लिया जाए। वाला सुंदर है ना? देखो और जलो। ओह चलो भी, इसमें जलन करने लायक कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं कम से कम एक साफ सुथरा कोना चाहती हूँ। चुनौती मंजूर है। मेरा रूम ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ कितना आरामदायक लग रहा है। ये बेड से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। बेस लगभग तैयार है। बढ़िया, टेम्परेचर गिर रहा है। अब मेरे मनपसंद गाने का वक्त है। तुम्हें इतनी गर्म जगह कहीं नहीं मिलेगी। साफ सुथरा है। ना 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 ना। नहीं, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या है? अब जलने की तुम्हारी बारी है पड़ोसी। असल में ये मेरा आइडिया था। अब फिर से ठंड हो गई है। ये सही नहीं है। मेरा कमरा बेहतर होना चाहिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। चलो काम पर लगे। जैकलिन को लगता है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा रूम बना सकती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। बढ़िया, टेम्परेचर कितना है? जाहिर है कि इतनी आग काफी नहीं है, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। फायरी सैंड्रा का गर्म रूम अभी से अच्छा लग रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। लेकिन कोल्ड जैकलिन का रूम सुंदरता के मामले में उसकी हॉट दुश्मन जितना ही अच्छा है। हे, क्या हो रहा है? मुझे पता लगाना चाहिए कि अंदर क्या है। किसी को मत बताना प्लीज। तो चलो देखते हैं। वाओ, उसने अपने रूम का फर्श बहुत सुंदर बनाया है। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। मुझे कुछ सोचना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। सुंदर बर्फीली स्नो फ्लेक्स के सामने ये आग कुछ नहीं है। मेरा आलीशान ठंडा फर्श तैयार है। वाओ, मैं थक गई हूँ। मुझे प्यास भी लगी है। मुझे अभी अभी मेरी मनपसंद कोल्ड ड्रिंक्स के साथ एक मिनी फ्रिज डिलीवर हुआ है। स्वादिष्ट है। तो अब मेरी एनर्जी वापस आ गई है। अब मैं और भी काम कर सकती हूँ। और मुझे फ्रिज को अपने बर्फीले स्टाइल में डिजाइन करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। और चलो थोड़ी सजावट करें। जितनी ज्यादा स्नोफ्लेक्स उतनी कम। ये लावा कॉकटेल जितनी गर्म है। अजीब बात है, फिर से ठंड हो रही है। हो क्या रहा है? टेम्परेचर फिर से कम हो गया। मेरी कॉकटेल, उसने मेरी उबलती हुई ड्रिंक बर्बाद कर दी। चलो अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइस स्नैक टाइम। ओप्स। क्या? उसने फर्श भी बना लिया और उसके पास फ्रिज भी है।
खैर, तो अब बारबी क्यों करने का वक्त है। मैं सोच रही हूँ कि कौन सी आइसक्रीम और भी ठंडी होगी। ओह, यहाँ फिर से गर्मी हो गई। मुझे ये पसंद नहीं है। ओह नहीं, खैर मेरा कोन बर्बाद करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। खैर वो फिर से आगे बढ़ गई। गुड आफ्टरनून। वो ग्रिल के साथ कौन है? खैर ठीक है। क्या तुमने ग्रिल ऑर्डर की थी? ये लो। क्या ये ग्रिल है? एक मिनट रुको, मैनुअल के हिसाब से ये ग्रिल ही है। सच में? हाँ। खैर मजे करो, ये कमजोर लग रही है, मुझे इसे और शक्तिशाली बनाना चाहिए। इसे कहते हैं एक मजबूत ग्रिल। और अब डिनर का वक्त है। उसे लगता है कि वो बहुत कूल है, लेकिन वो नहीं है। ठंड गर्मी से बेहतर है, तुम हार जाओगी। धुआं कहाँ से आ रहा है? रसीले सॉसेजेस। तुमने हमारे रूम को सोना में बदल दिया है। अब मैं इस धुएं से छुटकारा कैसे पाऊं? फायरी दुश्मन से मुकाबला करना उतना आसान नहीं है जितना जैकलिन ने सोचा था। लेकिन अगर मैं बस उसे उठाऊं और खा जाऊं। बाय बाय पड़ोसी। और मैं तभी जीत जाती। हाँ ये कितना अच्छा होगा। हाँ ये दुख की बात है कि ये सिर्फ मेरे सपने हैं। रूम को सजाने का वक्त आ गया है। खैर आईसी, क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं, मेरा कमरा सबसे अच्छा होगा। नहीं, मेरा कमरा सबसे अच्छा होगा। आहा, गुड लक। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ लाइट्स चाहिए होंगी। आह ये सुंदर है। चलो कुछ सजावट करें। मैं अपनी प्यारी आइस अलार्म क्लॉक से शुरू करूंगी। और मैं एक तस्वीर भी बनाऊंगी, ये मेरे सीक्रेट रूम को अनोखा बना देगी। उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, किसी का रूम मेरे जैसा नहीं होगा। और एक टेबल भी। मैं यहाँ अपनी सभी फायरी सजावट रखूंगी। वैसे सजावट की चीजों का क्या? मैं यहाँ कुछ रखना चाहती हूँ, लेकिन क्या? मुझे पता है, सबसे पहले मेरे रूम में एक तस्वीर होनी चाहिए। खैर मैंने तुमसे कहा था कि ये एक मास्टरपीस होगा। बस इसमें कुछ बर्फ की कमी है। हो गया, बर्फ हर चीज बेहतर बना देती है। चलो अब तुम्हें तुम्हारी जगह पर रखते हैं। मेरी तस्वीर बुरी नहीं होगी। आर्ट स्कूल में बिताए 3 साल बर्बाद नहीं होंगे। हो गया, मुझे बस एक फ्रेम चाहिए। और वो ये रहा, इसके ऊपर कोयले भी है। मुझे बस थोड़ी सी आग बनानी होगी। अब ये बिल्कुल सही है। और मेरी आग के सामने कोई स्नो लैंडस्केप कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा लेफ्ट की ओर, एक और फायरी दोस्त पास में आने वाली है। वो यही कहीं होनी चाहिए। ये रही मेरी फैंसी हॉट अलार्म क्लॉक। चलो अब दीवारों पर कुछ सजावट करते हैं। ये स्नोफ्लेक्स मेरे बर्फीले सीक्रेट रूम के इंटीरियर के साथ अच्छे लगेंगे। ये बहुत सुंदर लग रहा है। चलो इसके फायरी डिजाइन को और बेहतर बनाते हैं। बस ध्यान से, शानदार। खैर अब दीवारों को सजाने का वक्त है। मैं फोम शीट से आग की शेप काटूंगी। चलो अब कुछ हॉट जादू का इस्तेमाल करें। हो गया, फेरी लाइट सुंदर है, लेकिन फिर भी एक अच्छा लैंप होना बहुत बढ़िया रहेगा। आपको मेरा आइस क्रिस्टल लैंप कैसा लगा? मुझे लगता है कि ये कमाल है। ऐसा लगता है कि लड़कियां अपने सीक्रेट रूम के डिजाइन को खूबसूरत बनाने में एक दूसरे को हराने की कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी वो बराबरी पर चल रही है। किसका रूम सबसे अच्छा होगा? बेशक मेरा। जैकलिन फिर से कुछ बना रही है। खैर अब मेरे पास एक प्यारा ठंडा फेंस है। ये क्या है? मेरा पर्सनल फेंस। तुम मेरी नकल कर रही हो, ये सच नहीं है। देखो तुम्हारे पास ऐसा लैंप नहीं है। हाँ, इस तरह का लैंप किसे चाहिए? ये मेरी फायरी लैंप लाइट के आगे कुछ भी नहीं है। ओह ये इतना खास नहीं है। आउच, मेरी उंगली। ठीक है बस बहुत हो गया, तुम मुझे हरा नहीं सकती।
ओह अच्छा, सीक्रेट रूम का आइडिया मेरा था, तो जीतूंगी भी मैं ही। हाँ जाहिर है कि बर्फ और आप कभी भी एक बात पर राजी नहीं हो सकते। हे हाय, ये एड्रेस बिल्कुल सही है ना? वो कौन है? गुड आफ्टरनून जवान लेडीज, मैं इंस्पेक्टर एंडरसन हूँ, एक सीक्रेट रूम एक्सपर्ट। तो चलो इस लाल वाले से शुरू करें। उसे किसने बुलाया? बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। प्यारी अलार्म क्लॉक, बस यहाँ बहुत गर्मी है। अच्छा रूम है। हाँ सही कहा, लेकिन अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। मुझे लगता है कि वो सही है, शायद तुम इसे एक बार फिर देखना चाहो। अब नीले वाले की बारी है। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा, और ये सिर्फ नीला नहीं है, ये बर्फीला है। ये मैं अभी से महसूस कर सकता हूँ। एक और प्यारी सी अलार्म क्लॉक। खैर मुझे सब कुछ समझ आ गया है। वाह, ऐसा लगता है कि मैं नॉर्थ पोल होकर आया हूँ। तो आपका क्या फैसला है, किसका रूम बेहतर है? असल में दोनों रूम्स को बराबर नंबर मिलते हैं। रुको, हमने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे जाना होगा। ऐसा लगता है कि सैंड्रा और जैकलिन ने अपनी सारी जादुई शक्तियाँ लड़ाई और झगड़ों पर खत्म कर दी है। सब खत्म हो गया। प्यारी अलार्म क्लॉक है, थैंक्स, मुझे तुम्हारी तस्वीर पसंद है। तो यही वो पल है जब ये सबसे स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने हमारे लिए मार्शमेलोस भी बनाए हैं। खैर ये लड़ाई ड्रॉ होती है, आखिरकार हमारी लड़कियां दोस्त बन गई, तो आखिर में बेशक दोस्ती की जीत हुई।